बेसन और तिल वाली बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम सफेद तिल। फ्लेम को ऑन करके फ्लेम को आपको इस स्टेज पर मीडियम टू लो रखना है और इसे हमें लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं तिल बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है और तिल भी धीरे धीरे अब चटकने लगा है। तो फ्लेम को अब हम ऑफ करेंगे और इसे हमें जल्दी से एक प्लेट या फिर बोल में निकाल लेना है। अब हमें बेसन को देसी घी में बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 से 7 टेबल स्पून देसी घी। तो ये पूरा का पूरा देसी घी हमें एक बार में ही नहीं इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं पैन में 5 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब आगे चल के देसी घी की जरूरत लगेगी तब हम बाकी का बचा हुआ भी देसी घी इस्तेमाल कर लेंगे। अब देसी घी में हमें डाल देना है 1.5 कप बेसन। तो तिल और बेसन को मेजर करने के लिए अगर आपके पास इस तरह का कोई मेजरमेंट कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर की ही कोई एक कटोरी को सेट कर लीजिए और उसी से आप तिल और बेसन को मेजर कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बेसन को देसी घी में बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाया तो बेसन ने सारा का सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया। और जब बेसन इस तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बाकी का बचा हुआ देसी घी। तो ये 2 चम्मच के करीब हमने देसी घी बचा कर रख लिया था, इसे हमें बेसन में डाल देना है। अब आपको बेसन को लो फ्लेम पर ही भूनना है ताकि बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए और बेसन में से भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे आप बेसन को लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि शुरुआत में जितना बेसन ने घी एब्जॉर्ब किया था धीरे धीरे बेसन घी को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, बेसन धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएगा और घी की वजह से बेसन इस तरह से एकदम पतला हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर से बर्फी में बहुत ही बढ़िया सा पीला रंग आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर के अलावा आप इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको इसे लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते रहना है, चलाना आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वरना बेसन जल सकता है। बेसन जब बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएगा और बेसन में से जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब हम इसमें डाल देना है चीनी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बड़े चम्मच का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है और मिल्क पाउडर भी ऑलरेडी मीठा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें 2 बड़े चम्मच से अधिक पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 कुटी हुई हरी इलायची के दाने। चीनी और इलायची पाउडर को बेसन में बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाते हुए आपको इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेना है ताकि बेसन में चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब बेसन में चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएगा तब हमें इसमें डाल देना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने लिया है टोटल 100 ग्राम मिल्क पाउडर और इसी के साथ साथ हमें इसमें डाल देना है भुना हुआ सफेद तिल। अब सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अभी आपको फ्लेम को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेम को हमने स्टार्टिंग से ही लो रखा था तो अभी भी हमें फ्लेम को लो ही रखना है। जब सब कुछ आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हमें इसमें डाल देना है 1 कप से थोड़ा सा कम दूध। आप चाहें तो इसमें 1 कप भर के भी दूध डाल सकते हैं। दोबारा से सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बर्फी का जो मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा पतला होने लगेगा और ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे कुछ ही सेकेंड के बाद बर्फी का मिक्सचर इस तरह से सिमट के डो फॉर्म में आ जाएगा। तो बस अब इस स्टेज पर हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब इस बर्फी वाले मिक्सचर को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब इस मिक्सचर को हमें जल्दी से एक बड़े परात में ट्रांसफर कर लेना है ताकि बर्फी वाला मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो जाए, हाथों से छूने लायक हो जाए, उसके बाद हम इससे बर्फी बनाना शुरू करेंगे। बर्फी का मिक्सचर अब हल्का ठंडा हो चुका है,
हाथों से छूने लायक हो चुका है, तो अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए मसल मसल कर बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बर्फी का मिक्सचर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बर्फी का मिक्सचर ठंडा होता जाएगा मिक्सचर हार्ड होता जाएगा, तो बर्फी बनाने में बहुत दिक्कत होगी। यानी कि बर्फी जब आप बनाएंगे तो बर्फी का परफेक्ट स्क्वायर शेप नहीं आ पाएगा। अगर गलती से बर्फी का मिक्सचर ज्यादा ठंडा होकर हार्ड हो जाता है तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिक्सचर को दोबारा से कढ़ाई में डालना है और लो फ्लेम पर आपको इसे लगातार चलाते रहना है, मिक्सचर दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगा। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम इससे जल्दी से बर्फी बनाएंगे। बर्फी बनाने के लिए एक 2 पोर्शन को लेकर आपको इसे चकले पर रखना है और हथेलियों की मदद से ही चारों तरफ से आपको इसे फ्लैट कर लेना है। तो इसे फ्लैट करने के लिए आप अपनी हथेलियों का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बेलन से आप इसे फ्लैट बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना इसके बीच बीच में दरारें आनी शुरू हो जाएंगी और उससे बर्फी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं किया है, क्योंकि बर्फी की थिकनेस को मैं मीडियम ही रखने वाली हूँ। अगर आप काजू कतली के जितना पतला थिकनेस चाहते हैं तो आप इसे और फ्लैट कर सकते हैं। अब हमें इसे चारों तरफ से परफेक्ट स्क्वायर शेप का कट कर लेना है। तो चाहे तो आप इसे पिज्जा कटर से कट करें या फिर नाइफ से। उसके बाद हमें इसे 4 इक्वल स्क्वायर शेप में डिवाइड कर लेना है। तो इसमें मैंने बर्फी के सिर्फ 4 हिस्से ही किए हैं, आप चाहें तो इसमें बर्फी के इक्वल 6 हिस्से भी कर सकते हैं। इसे कट करने के बाद एक बर्फी की पीस को हथेलियों पर रखकर आपको इसे चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से शेप दे देना है, ताकि बर्फी परफेक्ट स्क्वायर शेप का हो जाए और ये कहीं से भी ना टूटे। तो इस तरह से बर्फी बनाना बहुत इजी हो जाता है। बस आपको बर्फी का मिक्सचर तैयार करना है। बर्फी के मिक्सचर को आपको चकले पर रखकर हथेलियों की मदद से चारों तरफ से फ्लैट करना है और तब आपको बर्फी को पिज्जा कटर या फिर नाइफ की मदद से अपने मन चाहे शेप में कट कर लेना है। यूजुअली जब हम बर्फी बनाते हैं तो बर्फी का पहले हम मिक्सचर तैयार करते हैं और उसके बाद हम उसको मिठाई ट्रे में डालकर मिनिमम आधे घंटे तक फ्रिज में रखते हैं सेट होने के लिए, उसके बाद हम उसे कट करते हैं। तो वो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत इजी है, बस बर्फी को अपने मन चाहे शेप में कट कीजिए और बस इंस्टेंट बर्फी तैयार है। तो आप भी एक बार इस बेसन और तिल वाली बर्फी को घर पर बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होता है, बहुत बढ़िया इसका स्वाद होता है और आपको भी ये बर्फी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो त्योहार कोई सा भी हो, हर त्योहार के लिए ये बर्फी की रेसिपी बेहतरीन है। साथ ही साथ इजी, सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग बर्फी की रेसिपी है। इस बर्फी को बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको आज की ये बेसन और तिल वाली बर्फी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। बर्फी को घर पर बनाकर ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई रेसिपी के साथ।